सभी दोस्तों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर से जानकारी से भरपूर एक बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खे की वीडियो लेकर आई हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के पेट में जब उनका साइज़ बढ़ता है और खाल जो हमारी स्किन होती है वो खिंचती है तो बहुत ही खुजली होती है, तो उससे निपटने के लिए और स्ट्रेच मार्क्स कम से कम आएँ या फिर ना आएँ उसके लिए घरेलू नुस्खे लाई हूँ, आप लोग ज़रूर अपनाइएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान जब पेट का साइज़ बड़ा होने लगता है महिलाओं का, तो उन्हें खुजली की बहुत ही भयानक प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार लोगों को दिक्कत ज़्यादा होती है, कई बार ये दिक्कत कम रहती है। तो जितना दवाएं असर करती हैं उतना ही घरेलू नुस्खे भी काम के होते हैं। तो कुछ सुरक्षित यानी कि सेफ़ घरेलू नुस्खे यानी होम रेमेडीज़ होती हैं जिन्हें अगर आप अपनाएंगे तो आपको बहुत हद तक मदद मिल सकती है। सबसे पहले तो यही होता है कि आपको खाने पीने में बहुत ही ध्यान देना चाहिए, खासकर पानी में। आपका जो वाटर इंटेक है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इस दौरान अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में पानी अच्छे से पीते हैं तो आपको बिल्कुल भी ये खुजली की प्रॉब्लम यानी कि इससे ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप सीजनल फ्रूट लेते हैं यानी कि फल वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो भी आपको जो है बहुत ही आराम मिलेगा, खुजली की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम आज का अपना नुस्खा शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर कई नुस्खे बताऊँगी, उसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं या जो आपको सूटेबल लगे। सबसे पहला हमारा नुस्खा है दोस्तों ठंडी सेकाई का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बर्फ़ के टुकड़े हैं मेरे पास। हमारे सबके घर में फ्रिज होती है और ये बर्फ़ जो है बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर आपको आपके घर में फ्रिज नहीं भी है तो आप पड़ोस से भी मांग सकते हैं। तो ठंडी सिकाई भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमारे इसमें काम करती है, यानी कि खुजली से आपको तुरंत आराम मिलेगा, साथ ही साथ सूजन से भी आराम मिलेगा। अब आपको इसे करना कैसे है मैं आपको ये बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक इस तरह का कोई भी रुमाल, घर पे रहती हैं पतला कपड़ा ले लीजिए, कोई दुपट्टा ले लीजिए। इसमें आपको एक से दो जितनी ज़रूरत हो उतने बर्फ़ के टुकड़े आप ऐसे ले लें और इस तरह से इसकी पोटली जैसी बना लें। और इसके बाद में ये जो पोटली हमारी बनी है, जहाँ जहाँ भी आपके पेट के हिस्से में खुजली हो रही है वहाँ पर आप इस तरह से इसको रब करें यानी रगड़ें, आहिस्ता, बिल्कुल एकदम नरम नरम हाथों से, मुलायम हाथों से, ज़्यादा दबाव ना देते हुए, बहुत ज़्यादा तेज़ रगड़ना रगड़ते हुए आप इसे सिकाई कर सकते हैं। तो ये काम जब भी आपको ऐसे दिक्कत लगे तो आप ये ठंडी सिकाई वाला नुस्खा आजमा करके देख सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो दूसरा नुस्खा है ना वो है नींबू। नींबू कितना आसानी से अवेलेबल होता है, नींबू में कितना सारा विटामिन सी होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर है दोस्तों, प्रेगनेंसी में जो पेट बढ़ता है उसमें जो खिंचाव महसूस होता है उससे जो खुजली लगती है उसकी वजह से है। तो जो नींबू का रस होता है इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, तो प्रेगनेंसी में खुजली पैदा करने वाले माइक्रोब्स को हटाने में ये मदद करता है। तो इसे यूज किस तरह से करना है, थोड़ा सा बिल्कुल पानी लेना है किसी कटोरी में, इसमें नींबू की कुछ बूंदें डालनी है रस की, चार से पांच बूंदें पानी में मिलाने के बाद में इसे हम इस तरह से मिला लेंगे और फिर हाथों से ही आप सिंपली मसाज कर सकते हैं पेट की, जहाँ पर भी खुजली हो रही है, जिस हिस्से में हो रही है वहाँ पर ये नींबू मिला हुआ जो पानी है थोड़ा सा, इसे रुई की सहायता से भी लगा सकते हैं यानी कॉटन बॉल से या फिर किसी कपड़े से भी, कॉटन के सॉफ्ट कपड़े से आप इसमें लगा सकते हैं या फिर सिंपल आप हाथों में लीजिए इस तरह से लगा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। आज का हमारा जो अगला नुस्खा है दोस्तों खुजली से निपटने का घरेलू नुस्खा, वो है ऑयल यानी कोकोनट ऑयल। आप सभी जानते हैं कोकोनट ऑयल कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, स्किन के लिए तो होता ही है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो खुजली वगैरह होती है, स्ट्रेच मार्क्स वगैरह होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा मदद देता है हमें। तो नारियल का तेल अप्लाई करने से पहले करना आपको ये है कि अपनी जो स्किन है, आपका जो पेट वाला हिस्सा है, उसे पहले आपको अच्छे से पोंछ लेना है किसी साफ़ कपड़े से और गीले कपड़े से। इसके बाद में आपको नारियल तेल लेना है और फिर उसे इस तरह से स्किन पर अच्छे से लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा नहीं, अच्छी क्वांटिटी में आप लीजिए। इसके बाद उसे पूरे हिस्से में धीरे धीरे से तब तक मसाज कीजिए
जब तक जो तेल है वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना होता है इस दौरान। आप सभी को, सभी महिलाओं को ये बात पता होगी, तो ज़्यादा दबाव ना डालते हुए हल्के हाथों से मसाज कीजिए। नारियल तेल से आपकी जो खुजली है उसे बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहती हैं, नेल्स लगने का डर है, तो कॉटन बॉल को इसमें डिप करके भी आप पूरे हिस्से में मसाज कर सकती हैं। तो नारियल तेल में जो होता है दोस्तों, तो स्किन के अंदर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वहाँ तक ये अच्छे से पहुँचता है, जिसकी वजह से खुजली और जो जलन है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से आप खुजली से बचने के लिए नारियल के तेल का ऐसे इस्तेमाल करें। खुजली से बचने का दोस्तों एक और बहुत ही कारगर नुस्खा है हमारे पास, वो है ये एलोवेरा। एकदम नेचुरल एलोवेरा जेल मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि मार्केट वाला जो जेल है वो कितना शुद्ध है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये एलोवेरा अगर आपके घर पे नहीं है तो ज़रूर आप लगाएं। स्किन के लिए, बालों के लिए और भी इसके बहुत सारे गुण हैं। एकदम फ्री का पौधा होता है और फ्री की दवाई होती है। तो बस आपको बिल्कुल थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ये ज़्यादा टुकड़ा लिया हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपको। जहाँ पर भी पेट में आपके खुजली हो रही है उस हिस्से को पहले अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए, और बस ये जो एलोवेरा का जेल होता है ना अंदर वाला, इसे निकाल लीजिए। और चाहे तो डायरेक्ट इस टुकड़े को ही आप इसे रगड़ सकते हैं इस तरह से, जैसे ये टुकड़ा है, इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए इसके, और फिर इसको इस तरह से स्किन में जहाँ भी आपको लगता है कि खुजली ज़्यादा हो रही है, इसको ऐसे अच्छे से रब कीजिए। और जब तक आपको आराम नहीं मिल जाता, यानी कि 2-4 मिनट आप इसको अच्छे से बैठ करके, आरामदायक पोजीशन में बैठ करके आप इसे रब कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आराम मिलेगा। आप सब जानते हैं कि जो एलोवेरा होता है वो कितना ज़्यादा इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भरी होती हैं। तो कोई भी अगर जो है एलर्जी वाला हिस्सा भी होता है ना, अगर आपको खुजली या वैसे भी एलर्जी हो रही है, तब भी अगर आप एलोवेरा का जेल जो इस तरह से मसाज करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। ये जो एलोवेरा जेल का मसाज है दोस्तों, इसे आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। सुबह भी आप कर सकते हैं, सुबह किसी भी दिन में यानी, और रात के भी किसी भी टाइम में, आपको सोते समय भी आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ देर करने के बाद में जब आपको लगे कि थोड़ी सी राहत मिल गई है, तो आप इसे कपड़े से हल्का पोंछ लीजिए, चाहे तो हल्का सा पानी से भी धो सकते हैं। आज का दोस्तों आखिरी और एक और बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा है खुजली से बचने के लिए, या जो स्ट्रेचिंग होती है उससे बचने के लिए, वो ये है ओट्स। जो सादा वाला ओट्स आता है ना दोस्तों, तो जो नुस्खा है वो ये है, वो है ओट मील बाथ का। यानी जब आप नहाने जाते हैं इसे तब इस्तेमाल करना है। तो ये जो सादा वाला ओट्स होता है ना, ये ओट्स के फ्लेक्स होते हैं, आपको इन्हें इस्तेमाल में लाना है। मसाले वाला ओट्स बिल्कुल मत लीजिएगा, ये सादा ओट्स ही लेना होता है। तो ओट मील बाथ भी खुजली को कम करने में बहुत ही असरकारी है। आपको करना ये है कि लगभग इतना, 1 कप के जितना ओट्स लेना है। इसके बाद इसको गर्म पानी में भिगो देना है, या थोड़ा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। तो 10 से 12 मिनट में ये बढ़िया फूल जाता है, बिल्कुल अच्छे से ये सोक कर लेता है पानी को। इसके बाद में क्या करना है आपको, इस पानी को या फिर अगर आप नहाने के लिए गुनगुना पानी ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसे डाल सकते हैं। अगर आप ठंडा पानी ले रहे हैं नहाने के लिए, तो पहले इसे गुनगुने पानी में सोख कर लीजिए, फिर जो नहाने का आपका पानी है यानी कि नहाने की जो बाल्टी है उसमें जो आपने पानी भर के रखा है उसमें इसे डाल दीजिए, 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद में उस पानी को छान डालिए और उस पानी से आप नहाइए, जिसमें ये ओट्स का सारा गुण होगा उस पानी में। तो उससे जब आप नहाएंगे तो आपकी जो स्किन की खुजली है ये बहुत कम हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि पेट में ही आपको लगाना है, कई बार कमर के कुछ हिस्सों में जो पेट बढ़ता है यानी खिंचाव होता है स्किन में, तो कमर के कुछ हिस्सों में भी खिंचाव होता है, तो वहाँ पर भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, खुजली हो जाती है, तो आप वहाँ पर भी इसे अप्लाई कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ नुस्खे। अगर इनमें से कोई भी नुस्खा आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको बंद कर देना चाहिए, या फिर बिल्कुल यूज़ में नहीं लाना चाहिए, या फिर कोई भी घरेलू नुस्खा यूज़ करने से पहले आप अपने गायनकोलॉजिस्ट से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के ये जो हमारे आसान से घरेलू नुस्खे थे जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए थे, उनके बहुत काम आएंगे। साथ ही साथ जितने हमारे यहाँ पर मेल व्यूवर्स हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक जिनको इसकी ज़रूरत है उनके पास तक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।